मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन मैथ स्ट्रीम से हैं, यानी कॉमर्स जिनके पास है या फिर जिनके पास स्पेशली जिनकी बस बायो है, यानी कि पीसीबी वाले स्टूडेंट जो है उन्हीं के लिए वीडियो है। बहुत ही खास वीडियो उनके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसके बाद हम बताएंगे इंटीग्रेशन भी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे इसको। हम बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास में कि सर हम पीसीबी ब्रांच से हैं तो हमारे पास मैथ्स नहीं होता है, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं हम, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं या फिर इंटीग्रेशन करते हैं। सो उन्हीं की डिमांड पे हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, और आप देखना इस वीडियो को, इसको देख करके अगर आपने ठीक से समझा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स जो मैथ्स के अंदर जो जिनके पास पीसीएम है वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेस से लेके नहीं चलेंगे, इसमें हम उनको वो चीजें बताई जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है और जो उनका काम पूरा कर दे, इतनी सी बात उनको बताई जाएगी जो स्टूडेंट्स पीसीबी ब्रांच लेके बैठे हुए, यानी कि इनके पास बायोलॉजी है। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन का जो भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कहते हैं अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो डिफरेंशिएशन अगर इसका हम देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होने वाला है, वो डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये होता है एफ डैश एक्स। ये दोनों इसके रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन और होता है इसको एफ वन एक्स भी लिखते हैं कई बार, ठीक है, या फिर इसको हम वाई डैश लिखते हैं या फिर वाई वन भी लिखते हैं, लेकिन जनरल जो हमारा यूज होता है वो ये वाला पार्ट यूज होता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स को हम dy upon dx लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं वो आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद आपको रूल समझाएंगे कि क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बेसिक फॉर्मुलेज देखते हैं हम यहां पे, बेसिक फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n है, यानी कि x तो आपको क्या है वेरिएबल है और n क्या है इसमें कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, जो भी हम कराएंगे फॉर्मूला उसके ऊपर आपको एग्जांपल जरूर कराएंगे तो देखना आप कैसे कैसे हो रहा है। सो y इज इक्वल टू x की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इस क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस वन, यानी कि सिंपल आपको क्या करना है n को पहले रखना है इनटू में एक्स पावर एक इस पावर में से इसको घटा देना है वन को। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं कैसे, हमने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर फाइव, ये आपके पास है, हमने क्या किया अब यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया फाइव को पहले लिखा और एक्स की पावर फाइव माइनस वन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो लिखा है वही कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई फाइव एक्स की पावर 4। ये आपका सबसे बेसिक वाला फॉर्म है, यानी कि x की पावर n। देखो सर, जब भी हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं डिफरेंशिएशन के जो आपको पता होने चाहिए, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, सारे फॉर्मुले डिस्कस करेंगे उसके बाद की आगे की चीजें वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या क्या है, फंक्शन हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसी का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन बता चुके हैं आपको क्या होगा एफ डैश एक्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं डीवाई अपॉन डीएक्स, इसी को क्या बोलते हैं डीवाई अपॉन डीएक्स।
जब एफ एक्स क्या होता है हमारा, इसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वाई से, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डीवाई अपॉन डीएक्स। तो यहां पे वाई लिखा हुआ है और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन डीवाई अपॉन डीएक्स लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे जितनी फॉर्मूले लिखे हैं ये आपको बेसिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होने जरूरी है। तो यहाँ पे x की पावर n है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी कि x एक वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। और n क्या हमारे पास यहाँ पे, n एक कॉन्स्टेंट वैल्यू की कोई, जैसे एग्जाम्पल नंबर वन, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर फोर ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, फोर जो है कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx जब निकाल रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, n, यानी कि 4 को हम पहले लेके आएंगे यहाँ पे, इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 जैसे बोला गया है, इसको कर देते हैं 4 x की पावर 3, यही आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी के बेस पे हम थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेटेड सा या बड़ा सा हम उसको बोले तो वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 प्लस 5 एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 4 एक्स रेस टू पावर 3 प्लस 3 एक्स रेस टू पावर 2 और प्लस x प्लस, बस यही पर रहेंगे उसको फिलहाल। ठीक है, ऐसा कुछ आपको बड़ा सा गिवन है, तो इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, dy अपॉन dx करेंगे, यानी कि हम क्या करें, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आप देखो तो 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 यही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये 5 यहां पे रखा है इसको रखा रहने दो, फिर यहां पे इंटू 4 करेंगे और एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस यहां पे 4 रखा है इसको 4 को रखा रहने दो, यहां से 3 आ जाएगा बाहर, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 पावर आ जाएगी पहले एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस x में 1 है तो x की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, ये आपने देख लिया यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हमें भी। तो 5 x की पावर 4 प्लस 5 इंटू 4 20 20 x की पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 12 x की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 6 x की पावर 1 ही बचा यहाँ पे, तो 1 लिखो मतलब को बात देखिए और ये x की पावर लिखो 0। तो यहां से जो फाइनल dy अपॉन dx आपका बना वो क्या है, आया है 5x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस x की पावर 0, एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1। तो यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या क्या था, इसमें बेसिक सर रूल अप्लाई किया, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हमारे पास कॉस एक्स, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। देखो कैसे होता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स, कई बार इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या रखेंगे हम, साइन एक्स। और हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डायरेक्टली कॉस एक्स। तो इसमें ऐसा कुछ खास बताने वाला नहीं है जिसमें कुछ नया हो, ये सिंपल से फॉर्मुलेज हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, log x का हो जाता है 1 अपॉन x और कांस्टेंट का हो जाता है 0। कैसे होता है कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट की वैल्यू मतलब कोई ना कोई वैल्यू आपको आपके पास होगी 3 4 5 एंड एंड एनीथिंग जो भी हो सकती है, उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा कैसा आता है, 0 ही आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 ले लिया मान लो हमने, तो अगर dy अपॉन dx इसका निकाल रहे हैं हम तो कितना आएगा, इसका 0 आएगा डायरेक्टली, कोई लिखने की कोई देखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू
एक्स की पावर 4 प्लस 2, ऐसा है, और हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा भाई यहाँ पे, इसका तो जाएगा 4x की पावर 3 और इसका हो जाएगा 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका कितना आ जाएगा 4x³ ओनली, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पे कहीं ना कहीं एडिशन होगा, ये इसमें भी एडिशन हो सकता है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं इन फॉर्मुलेस के अंदर स्पेशल चीज क्या है, कैसे आपको याद रख सकते हैं आप इन फॉर्मुलेस को बहुत बहुत अच्छी तरीके से, तो वो हम बताने जा रहे हैं आपको। आपने ये फॉर्मुले सारे देखने हैं और सारे अच्छे से याद भी करने हैं, क्योंकि यही आपको इंटीग्रेशन में भी हेल्प करने वाले हैं, जो कि हम लेटर ऑन लेकर के आएंगे लेक्चर उसका। क्या खास बात है इसमें, जहां पर भी जो भी फंक्शन हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, उन सभी फंक्शन में देख रहे हैं नेगेटिव साइन आया हुआ है ना, तो ये इनकी बहुत बड़ी पहचान है, या आप कंफ्यूज ना हो कभी भी, तो ध्यान रखें जहां पर भी कॉस है, कॉट है और कॉसेक है, तीनों सी से ही स्टार्ट होते हैं और तीनों में कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव साइन के साथ आपका फॉर्मूला बना हुआ है, तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब हमें स्टूडेंट कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखते हैं इनके बेस पे, जो हमने अब तक पढ़ा है, और कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजीली, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ध्यान लगा के पूरा। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने जरूरी है, और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो इससे हार्ड आपके पास क्वेश्चंस नहीं आने के सॉल्व करने के लिए, अभी इस जितना हमने पढ़ा है उसमें, अभी हम बाकी रूल्स भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या कैसे कैसे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन ये देख रहे हो आप, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो एक तरीका इसका ये है कि हम इसका ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करें और फिर हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम सॉल्व कर लें, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड लगाते हैं, इसको मानो आप पूरा एक्स मान लेते हैं, इसको पूरा क्या मान लिया एक्स, तो कितना हुआ एक्स की पावर 3 हो गया, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 2x+1 की पावर 3 -1 कितना आया 2। ठीक है, इतना कर लिया हमने यहाँ पे, और फिर इनटू में जो भी काम करेंगे इस तरह क्वेश्चंस में इनटू में करेंगे, तो इनटू जो अंदर वाला है उसका डिफरेंशिएशन अब करना है, तो अंदर वाला क्या है 2x, तो 2 तो ऐसे रहेगा और x का कितना होगा 1, तो 2 × 1 + 1 का कितना होगा 0, क्योंकि वो क्या है कॉन्स्टेंट है। तो आप देखो यहां पर dy / dx कितना आ गया 3 × यहां पर आ जाएगा 2 पूरा का पूरा, है ना, मतलब ऐसे आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो ये 3 × 2 कितना हो गया 6 × 2x+1 का होल स्क्वायर, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इजीली आपने निकाल लिया, वहां पे आपको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ता, फिर वहां पे टर्म्स आती, 4-5 टर्म्स आती, फिर उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो उससे बचने के लिए हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, और वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो उसको जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में देखो y = sin x² यानी कि एंगल का स्क्वायर दे रखा है आपको, तो क्या होगा dy / dx यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसको बेटा साइन एक्स मानो, से तो साइन एक्स का क्या हमने पढ़ा है कॉस एक्स पढ़ा है, तो कॉस एक्स तो है x² यहाँ पे, ठीक है, और हमने बताया इंटू लगा लिया, तो पहले आपने इसका तो कर चुके हो साइन का, अब एक्स स्क्वायर पे चलते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x बचेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया भाई 2x × cos(x²), ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे। बड़ा इजी लग रहा होगा आपको, और इजी है भी ये, क्योंकि सिंपल से आपको रूल अप्लाई करते जाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, सेम तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है dy / dx इज इक्वल्स टू 10 का, देखो पहले यहाँ पे 10, और ये पूरा क्या मान लिया हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए x मान लिया है, तो 10x का क्या होता है sec² x, x का मतलब 2x + 3, 10 का हो गया 10, x का क्या हो गया sec² 10, sec² x, और इस x का क्या है, x का भी तो करना है हमें, यहाँ पे 2x का कितना हुआ 2 और प्लस 3 इसका कितना हुआ 0, तो यहाँ पे सिंपल कितना आ गया 2 × sec² 2x + 3,
ये भी आपका देखो कितना इजी है। तो आपको जहां से चल स्टार्टिंग से स्टार्ट होना है और पहले का पहली बार करना है, सेकंड का सेकंड बार करना है, यही रूल आपको अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन 4 कहता है कि cos ऑफ sin x, अब इस बार फिर से क्या करेंगे, इसको x ही मानेंगे, इसका कर दिया cos का, तो dy / dx में क्या हो गया हमारे पास, cos ही होता माइनस का sin x, तो sin ऑफ sin x ये इसका हो गया। अब हम अंदर चलेंगे तो sin x मिला, तो sin x का क्या होता है cos x, और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी लग रहा होगा आपको ये, और इजी है भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में बहुत जगह आपको काम देने वाला है। इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है, किसी को नहीं पता है तो इसको लिख सकते हैं, ये अंडर रूट ऑफ x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये पहला वाला फॉर्मूला हमारा बन गया जो हमने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, x की पावर n वाला। तो इसमें क्या करेंगे, dy / dx इज इक्वल्स टू ये कितना है 1/2 पहले लिखेंगे, और x की पावर -1/2। -1/2 कैसे आएगा, 1 -1/2, ये तो करते हैं हम, 1 में से मतलब 1/2 में से माइनस करेंगे 1, वही n माइनस 1, तो कितना है 1/2 x की पावर, यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1/2, और इसको लिख सकते हैं हम 1/2 x की पावर 1/2, तो यहां पे हो गया 1/2, और x की पावर 1/2 को अंडर रूट ऑफ x, ये इसका आंसर है। तो डायरेक्टली आप जब y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x वाला आएगा उसको डायरेक्टली भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और किसी को स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन में है तो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करें, और कोई भी और दिक्कत आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो इसका बेनिफिट ले सके, जैसे आप कोई दिक्कत में फंसे हुए हो ऐसी वो भी दिक्कत में हो सकते हैं और वो भी इस दिक्कत से निकल सकते हैं अगर उनको कुछ फायदा कहीं से मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन का सबसे पहले मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे आपसे जो हमारे रूल्स होते हैं कुछ डिफ्रेंसिएशन के रूल्स, जिसके बेस पे आप आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो उनके रूल पे बेस्ड होंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होने वाला है उसमें, सो उस वीडियो को देखना ना भूलें, और कमेंट करें कि आपको और कौन कौन से वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट हो हमसे क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट विद दिस राइट इज असिंग साइन ऑफ, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और डिस्कस करते हैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें। टिल देन थैंक यू।